भंडारी बन गया भवनाथ मधु चकबाल धुआं फैक्ट्री उर्फ बिहारी धुआं फैक्ट्री बिलवर टोला को रोकते हो बिहारी माइक रूम तो मैं खोल देते यस सर ओटो आओगे मुझे भैया हाँ सुमेर भंडारी भगोना मांझा हाँ आगे मामा सुरामा उपस्थित है श्रीमान जी है लिपस्टिक है श्रीमान जी नाला लिपस्टिक कहाँ से आ गई यहाँ अरे मेरी हाजिर है श्रीमान जी संस्कृत विद्यालय समझ गया बैठ जा बैठ जा कर भगवान उपस्थित है बैठ जाओ चंपा देवी आ जाओ आहा चंपा यस मैडम मैडम हाँ तुमने ये लहंगा पहन रखा इससे मैडम लग रही हो हमारी अम्मी ने करवाई तो फिर क्या पहन के आई उसको फिर अम्मी को मैं नहीं मिली तो फिर मैडम से लग रही हो तुम तो चलो कोई बात नहीं है बैठ जा बैठ जा बैठ जा चल बैठ जाओ कल के लिए पाठ सीख लो जो तुम्हारे काम आएगा सर्वप्रथम पीछे पीछे बोलते हुए जाना पीछे पीछे बोले हाँ बोल विद्यार्थी सर्वप्रथम तो विद्यार्थी कितने लक्षण होते हैं विद्यार्थी के कितने लक्षण होने चाहिए और कितने होते हैं होने चाहिए काग चेष्टा वको ध्यानम बोलो काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचे स्वान निद्रा तथई वचे अल्पहारी अल्पहारी गृह त्यागी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम विद्यार्थी पंच लक्षणम अब इसका भाव अर्थ है विद्यार्थी के पांच लक्षण होते हैं कौन कौन से काग चेष्टा वको ध्यानम काग किसी को चेष्टा रखनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान रखना चाहिए काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा स्वान माने कुत्ता कुत्ते के बराबर कम नींद सोना चाहिए कुत्ता कैसे सोता है स्वान कैसे सोता है उसके बगल में जाता है तो वो खड़ा हो जाता तो विद्यार्थी को कम सोना चाहिए स्वान निद्रा तथई वचे अल्पहारी विद्यार्थी को कम से कम भोजन करना चाहिए ताकि उसे आलस ना आए तुम्हारा कहने मतलब यही है अरे बेटे भोजन करो उतना करो जो आपको सुलाए काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण कम भोजन करना चाहिए और जब घर से पढ़ने के लिए विद्यालय के लिए चलो तो अपना मन अपना ध्यान हमेशा पढ़ाई में रखना चाहिए अन्यथा इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए हाँ आपने कहा था गृह त्यागी हाँ यानी कि घर को त्याग नहीं पुत्र हमारा कहने का मतलब ये नहीं है अपने घर से विद्यालय के लिए जाओ के सारे कामों को पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक समझ गया अब दूसरा पाठ अब हम तुम्हें ज्ञान झरना जी हम तुम्हें पुत्र ज्ञान झरना सिखलाएंगे तो हमारे पीछे पीछे बोलते जाना ठीक है बोल देंगे ओमा तारो ज्योति की नाही ओमा तारो ज्योति की नाही
सवई नचावत राम गोसाई, सवई नचावत राम गोसाई। बेटे तुम लोग ये ज्ञान झरना की प्रथम चौपाई है। जो भी कुछ करता है संसार में वो प्रभु करता है। और पुत्र तुम अभी से अपने अपने पाठ बताओ कर लेंगे। जो हमने तुम्हें कल पाठ दिए थे मूर्खानंद, इन सभी से पाठ सुनो। चलो माइक खड़ा करो, आप देखूंगा कौन सा बच्चा गलत पाठ बोलता है। चौपाई का खंडन कर रहा हूँ।